नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी हार्ट पर। इस वीडियो में हम ज्योग्राफिकल थॉट को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे और हम पढ़ेंगे क्लासिकल पीरियड के बारे में। लेकिन क्लासिकल पीरियड बहुत बड़ा है और इसमें कई सारे ज्योग्राफर्स आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो हम एक साथ एक वीडियो में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो किस तरह से पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्लासिकल पीरियड का। तो क्लासिकल पीरियड, जिसे हिंदी में हम चिर सम्मत काल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज एंशियंट क्लासिकल पीरियड यानी कि प्राचीन, एंड फिर मॉडर्न क्लासिकल पीरियड यानी कि आधुनिक। तो दो क्लासिकल पीरियड यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं और दोनों का ही जो टाइम है, जो काल है, वो अलग अलग है। तो टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो हमारा एंशियंट क्लासिकल पीरियड है वो 600 बीसी से 300 एडी तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। और इसमें हम ग्रीक यानी कि यूनानी एंड रोमन ग्रीक एंड रोमन ज्योग्राफर के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड आता है हमारा मॉडर्न क्लासिकल पीरियड। इसका टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे 1770 से 1860 तक ये एक्सटेंड करता है, लगभग लगभग 90 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन है। और इसमें हम बेसिकली दो मेन ज्योग्राफर्स को पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है आधुनिक भूगोल में, वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड सेकेंड इज कार्ल रिटर। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लासिकल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट एंड मॉडर्न। टाइम ड्यूरेशन इज दिस फॉर बोथ क्लासिकल पीरियड। यहाँ पर हम ग्रीक एंड रोमन्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बोल्ट एंड रिटर को पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में, क्योंकि ग्रीक ज्योग्राफर्स भी बहुत सारे हैं। इनको भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो लगभग दो वीडियोस में ग्रीक ज्योग्राफर्स कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम रोमन में एंटर करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न क्लासिकल पीरियड में, जिसमें हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ना और देखते हैं कि पहले ग्रीक ज्योग्राफर कौन है जिनके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले जिन ज्योग्राफर के बारे में हमें पढ़ना है वो है होमर, 776 एडी। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। ये एक पोएट थे, ये कविताएं लिखते थे, इन्होंने कविताओं की बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो ये एक ग्रीक पोएट थे। अब एक बात ये भी जान लीजिए, ये कोई प्योर ज्योग्राफर नहीं थे। आखिर ज्योग्राफर ना होने के बावजूद भी इन्हें हम ज्योग्राफर में क्यों पढ़ रहे हैं, और हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्रीक ज्योग्राफर में, ये भी नहीं कि सबसे लास्ट में नाम आता है। वो इसलिए कि जो इनकी किताबें थीं, जो इनकी पोइट्री थी, उसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती थी। मतलब ये अपनी कविताओं में जो भौगोलिक चीज़ें हैं, भौगोलिक फिनोमेना है, उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कविताओं को पढ़कर मिल जाती थी, ठीक है। और इसी वजह से इनको ज्योग्राफर माना गया है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एम्पल अमाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन हिज पोइट्री मेड हिम अ ज्योग्राफर, जिसकी वजह से ये एक ज्योग्राफर बन गया, ठीक है। बुक्स कौन कौन सी लिखी, बुक है हमारी इलियड एंड ओडिसी। इन दोनों ही किताबों में क्या खास है, नेचुरल कंडीशंस के बारे में बताया गया है। कहाँ की नेचुरल कंडीशन, यूरोप की नेचुरल कंडीशन के बारे में बताया गया है। अब एक बात ये भी ध्यान रखिए कि होमर ने इलियड एंड ओडिसी बुक लिखी है, बट ये ज्योग्राफी की बुक नहीं है, ये पोइट्री है होमर की, ठीक है, जिसमें हमको यूरोप के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें जानने के लिए मिल जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या ऐसा बता दिया, इन्होंने अपनी ही किताबों में फोर टाइप ऑफ विंड्स का भी जिक्र किया गया है। उन चारों ही जो विंड हैं या हवाएं हैं उनका नाम क्या है, बोरियस पहला, दूसरा है नोटस, तीसरा है जेफायरस, चौथा है यूरस, ठीक है। तो ये चार तरह की विंड्स के बारे में होमर ने बताया था। और इसके अलावा कुछ तारामंडल जो होते हैं, तारापुंज होते हैं, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल है, ऐसे ही कई सारे तारामंडल के बारे में भी इन्होंने अपनी कविताओं में बताया है या उनका जिक्र किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट होमर, ठीक है, इनको पढ़ लिया है हमने। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर की तरफ।
हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं होमर के बाद थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, मिलेटस के रहने वाले थेल्स। इनका समय काल जो है वो 624 से लेकर 548 बीसी तक का रहा है। इनके बारे में ये सारे पॉइंट हैं, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये मिलेटस के रहने वाले थे, मिलेटस के निवासी थे, वहाँ के नागरिक थे। ये थे कौन? बेसिकली आप इनको भी देखेंगे होमर की तरह कि ये ज्योग्राफर नहीं थे, तो ये कौन थे? ये एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, एक दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर थे, और एक व्यापारी थे, एक ट्रेडर थे, ठीक है। तो मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड ट्रेडर, आप देखेंगे कहीं पर भी ज्योग्राफर शब्द यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया? ये ग्रीस घूमे, ये इजिप्ट घूमे, और फिर इजिप्ट और ग्रीस के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये घूमे, जिनके बारे में किताब में स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि वो कौन कौन से कंट्री हैं, सिर्फ ग्रीस एंड इजिप्ट दिया गया है, तो मैंने भी आपको वही बताया, ठीक है। और इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो हमारी नील नदी है यानी कि नाइल रिवर है, वो दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है सफ़ेद नील यानी कि वाइट नाइल, और फिर दूसरी है नीली नील यानी कि ब्लू नाइल, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ही टोल्ड दैट नाइल रिवर मेड अप ऑफ टू रिवर्स, ब्लू एंड वाइट नाइल। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इन्होंने अर्थ को एक तश्तरी के समान, एक प्लेट के समान समझा है जो कि पानी पर बह रही है। इसको आप ऐसे देखिए कि ये एक पानी से भरा हुआ एरिया है और इस पर ये गोल सी एक प्लेट की तरह अर्थ है जो कि इस पे बह रही है। इस तरह से इन्होंने विजुलाइज किया है अपनी बातों में अर्थ को, ठीक है। इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया है 5 क्लाइमेटिक जोन पे। अब ये जितना भी घूमे, जहाँ जहाँ भी घूमे, उसके हिसाब से भी इन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। बाकी इन्होंने अर्थ को 5 क्लाइमेटिकल जोन या क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। एंड लास्ट में आता है हमारा कि इन्होंने गतियों के बारे में भी बताया है, सन मून एंड अर्थ, पृथ्वी सूरज और चंद्रमा कौन कौन सी गति करते हैं, कैसी गति करते हैं, इसके बारे में भी जो हमारे थेल्स ऑफ मिलेटस हैं उन्होंने बताया है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर की तरफ। हमारे अगले ज्योग्राफर जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है एनेक्सिमेंडर, जिनकी समय काल या समय अवधि है 610 से लेकर 547 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो एनेक्सिमेंडर थे वो थेल्स के शिष्य थे या स्टूडेंट थे, थेल्स जिनके बारे में अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा है। तो किसके स्टूडेंट थे? थेल्स के स्टूडेंट थे एनेक्सिमेंडर। उसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कॉस्मोलॉजी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में ये बहुत जानते थे। नेक्स्ट आता है हमारा ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, इन्होंने डिस्क्राइब किया किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, एरिया ऑफ द अर्थ के बारे में एंड मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में इन्होंने बताया। लेकिन मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताने के बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थ के मोशन है उनके किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं सीजनल चेंज पर, या मौसम कैसे बदलता है मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से, ठीक है। तो ओरिजिन, शेप, एरिया, मोशन ऑफ द अर्थ एंड इफेक्ट ऑन सीजन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप सेंटेंस अपनी तरफ से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे फेमस काम इन्होंने किया है, अक्सर ये आ जाता है कंपटीशन में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन कि सबसे पहला विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो ये महान काम एनेक्सिमेंडर ने किया था। ही मेड फर्स्ट वर्ल्ड मैप, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स जो इन्होंने मैप बनाया था, उसमें बहुत सारी गणितीय गणना करने के बाद बनाया था, ठीक है। ही डिस्क्राइब अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी के लिए हम बेसिकली डार्विन को जानते हैं, डार्विन को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात इन्होंने
की थी, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्योंकि काम नहीं किया, उसको प्रूव करना, उसको ऑथेंटिकेट करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, इसकी वजह से हम इनके बारे में बात नहीं करते जब कभी भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बात की थी। और इन्होंने एक दोपहर का समय नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था जिसको बोलते हैं नोमोन। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें जी लगा हुआ है स्टार्टिंग में जो कि साइलेंट है और उसके बाद नोमोन, तो जी नोमोन लिखते हैं और इसको नोमोन हम पढ़ते हैं। तो नोमोन नाम का एक इन्होंने आविष्कार किया, एक यंत्र बनाया जिसका काम था दोपहर के समय को नापना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एनैक्सिमेंडर। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं हेकेटियस, जिनका जो समय काल है वो है 550 BC से लेकर 475 BC तक। इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इनकी अर्ली एज में जब इन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग हायर एजुकेशन जो है वो स्टार्ट ही किया था, उस समय ये फेमस थे फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन के रूप में, एक इतिहासकार और एक दार्शनिक के रूप में ये फेमस थे, ज्योग्राफर के रूप में फेमस नहीं थे। ठीक है, इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, जेनियोलॉजीज एंड जेस्पेरियोडस। जेनियोलॉजीज के अलावा जो जेस्पेरियोडस है उसको हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ किताब किसने लिखी है और उसमें हेकेटियस का ऑप्शन आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि उन्होंने तो जेस्पेरियोडस लिखी है। अगर आपको लगता है कि हेकेटियस का नाम दिया हुआ है तो जेस्पेरियोडस का मतलब ही डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ उनकी किताब का दूसरा नाम है, तो आप करेक्ट आंसर इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ जेस्पेरियोडस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखें, इन्होंने अपनी किताब जेस्पेरियोडस में जो वर्ड है उसका रीजनल डिस्क्रिप्शन दिया है, अलग अलग क्षेत्रों का डिस्क्रिप्शन दिया है, और यही रीज़न है इस डिस्क्रिप्शन की वजह से इनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमें पढ़नी है, इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेकेटियस। हेरोडोटस हमारे अगले ज्योग्राफर हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हेरोडोटस का जो समय काल है, समय अवधि है, वो 484 से लेकर 425 BC यानी बिफोर क्राइस्ट तक है। इनके बारे में देख लेते हैं, इनका जन्म हुआ था टर्की, जिसे हम तुर्की नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक रिच फैमिली, एक बहुत ही पैसे वाले खानदान से बिलोंग करते थे, तो इनके पास किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, आलीशान जीवन जीते थे ये। उसके अलावा इन्होंने कई सारी यात्राएं की हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था तो यात्रा करने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आसानी से कर सकते थे। कहाँ कहाँ की यात्रा की है, वैसे तो कई सारी जगह, लेकिन जो मेन जगहें हैं उनके बारे में यहाँ पर बता देते हैं, ग्रीस या फिर ग्रीक, इटली, सिसली और फिर भूमध्य सागर जो है उसके कई छोटे छोटे जो द्वीप हैं, आइलैंड हैं, उनकी भी यात्रा इन्होंने की है। इजिप्ट की यात्रा की है, एजियन सी के तट पर गए हैं घूमने के लिए, और बेबीलोन की यात्रा इन्होंने की है। अब एक महत्वपूर्ण काम जिसके बारे में आज हम बहुत चर्चा करते हैं, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म डेल्टा। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टीरियोग्राफी। ठीक है, इसमें पूरे विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, प्राचीन जानकारियों से लेकर इनके समय तक, यानी कि जो समकालीन जानकारी थी वो सारी जानकारियों का संकलन हिस्टीरियोग्राफी में दिया गया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेरोडोटस। हमारे अगले और इस वीडियो के लास्ट ज्योग्राफर अरिस्टोटल। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर दूसरा जो ज्योग्राफर हम पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफर है ही नहीं, बट उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे हमें ज्योग्राफी की नॉलेज मिल रही है, तो उनको हम
एज अ ज्योग्राफर कंसीडर कर रहे हैं। सेम यहाँ पर मैं कह रहा हूँ अरिस्टोटल हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं, बट यहाँ पर देखिए ही वॉज नॉट अ ज्योग्राफर, ये किताब में भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये कोई भी भूगोलवेत्ता या ज्योग्राफर नहीं थे। आपने अरस्तु का नाम कई सारी जगहों पर सुना होगा। ये पहली बात तो दार्शनिक हैं, तो दर्शन शास्त्र में इनका नाम आता है, तर्कशास्त्र के लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, ही वॉज अ लॉजिशियन, बायोलॉजिस्ट, जब आप जीव विज्ञान या बायोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको अरस्तु का, एरिस्टोटल का नाम देखने को मिलता है, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको अरस्तु का नाम देखने के लिए मिलता है। तो इतने सारे क्षेत्रों में इन्होंने इतना रिमार्केबल काम किया है कि इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं इन सारे ही सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि ये फिलोसोफर थे, लॉजिशियन थे, बायोलॉजिस्ट थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। हिंदी में बता देता हूँ, दार्शनिक, तर्कशास्त्री, जीव वैज्ञानिक और राजनीति शास्त्री, ठीक है। ही वॉज नॉट अ ज्योग्राफर, ये कोई भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन इन्होंने दो किताबें लिखी हैं जिनमें हमें ज्योग्राफी की बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो हम इन्हें एज अ ज्योग्राफर अपने ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ रहे हैं। दो किताबें कौन सी हैं, सबसे पहला है ट्रीटीज ऑफ द हेवन एंड दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए, अब इस किताब का नाम जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी तो सुनने में ऐसा नहीं लगेगा भाई एकदम प्योर क्लाइमेटोलॉजी, ये तो ज्योग्राफी के किसी बंदे ने लिखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किताब अरिस्टोटल ने लिखी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अरिस्टोटल एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके आगे के जो ज्योग्राफर्स अभी बचे हुए हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी देख सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।